Well, this is not exactly based on my story or my experience, but whatever you see in the web series, जिस तरह की ये लड़की है सईता मनकर, वो मैं ही हूँ. मतलब उसमें कोई प्ले या उसमें कोई ड्रामा है नहीं. तो मेरे ख्याल से जब आप खुद का किरदार निभाने की ठान लेते हो, तब आपके और ऑडियंस के बीच में ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं बचते छुपाने के लिए. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. इट्स अनदर वे टू कनेक्ट विथ योर फैंस एंड ऑडियंस. लेट्स सी, आई होप यू लाइक इट. इसके अलावा शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी फैन, तो उसके अंदर लास्ट में जो है फैन को मार दिया जाता है, तो फैंस थोड़े से नाराज हो गए थे. तो आप उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और फैंस के साथ आप कैसे रहती है, थोड़ा सा अगर बताएं आप उस बारे में, कैसा रिश्ता रहा? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने सारे फैंस को, और आई मीन आई थिंक दे कम्प्लीट मी. जो आप, मैं जिस मुकाम पे हूँ उसके लिए वो भी उतने ही ज़िम्मेदार है जितनी कि मैं. तो मैं नहीं चाहूँगी, ऐसा नहीं होगा होपफुली कि कोई फ़ैन नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है. वो आपको समझ ही जाएगा कल से. लेकिन मुझे लगता है कि एक थिन लाइन होती है जो आप कभी कभार जाने अनजाने में क्रॉस कर देते हो. बस एक रिमाइंडर है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. और एक इंडिविजुअल की पर्सनल स्पेस होती है जिसका रिस्पेक्ट आई थिंक सभी को करना चाहिए. सही. और आपने फिल्में की, शोज की, जैसे कि अब वेब सीरीज, क्या कुछ बचा है आपके ज़हन में, जो कुछ अब करना चाहते हैं? हाँ जी, स्टैंड अप बचा है, और स्टैंड अप भी आई एम ट्राइंग माई हैंड्स इन स्टैंड अप. बहुत कुछ करने के लिए बचा है, ये तो शुरुआत है. आई थिंक ये दिस टुडेज डेज आर सच कि आप नया अगर कुछ नहीं करो, अपने आप को अपडेटेड अपग्रेडेड नहीं रखो, तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू सर्वाइव. तो मैं हमेशा एंटरप्राइजिंग रहना चाहती हूँ, तो जो भी कुछ नया मिलेगा आई एम श्योर मैं वहाँ पहले पहुँच जाऊँगी. आपके मॉम